हेलो ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है देवाशीष और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमटेक और एमएस रिसर्च में क्या फर्क होता है, तो आखिरी तक देखते रहिए। तो एमटेक और एमएस रिसर्च की एलिमेंट्री डिफरेंसेस पे बात करते हैं। एमएस रिसर्च एक रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होता है, बल्कि एमटेक एक आप समझ सकते हो कि बीटेक का शॉर्टर वर्जन है। मतलब बीटेक को अगर आपने कॉम्प्रेस कर दिया, अगर दो साल में करना है तो उसको आप एमटेक कह सकते हो। बीटेक में जैसे आप कोर्सेज करते हो, हर सेमेस्टर में 4 या 5 कोर्सेज करते हो, उसी तरह आपको एमटेक में भी हर सेमेस्टर में 4 या 5 कोर्सेज करने पड़ते हैं और आखिरी में जाके आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो और इस तरह आपकी एमटेक डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अगर उनके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो एमटेक का कोर्स है तो वो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है और इसमें ज़्यादा रुकावटें नहीं आती, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रुकावटें नहीं आती। मेरे केस में ऐसे हुआ था कि मैंने जब एमटेक किया था तो मेरा प्रोजेक्ट कुछ 2 महीने से एक्सटेंड हुआ था। मैक्स टू मैक्स आपका प्रोजेक्ट 6 महीने से एक्सटेंड हो सकता है, कि जो बहुत रेयर केस होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑन एन एवरेज एमटेक का कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगर एमएस रिसर्च की बात करें तो एमएस रिसर्च का मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल जो लिखा होता है वो तो होता ही है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो कि स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं जिन्होंने एमएस रिसर्च किया हुआ है, वो जो लोग ये बोलते हैं वो कहते हैं कि एमएस रिसर्च के कोर्स कंप्लीशन के लिए 2.5 ईयर्स लगते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 साल लग गए, आपको 3.5 साल लग गए, या फिर आपको 2 साल लग गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एमटेक का और एमएस रिसर्च का टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा। लेकिन इसमें आपकी डरने की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेसिकली एमएस रिसर्च रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होता है। तो जब तक आपका रिसर्च कम्प्लीट नहीं होता तब तक आपका एमएस का कोर्स कम्प्लीट नहीं होता। थोड़ा और एक एलिमेंट्री डिफरेंस ये होता है कि एमएस रिसर्च आपका काफ़ी प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। बेसिकली होता ये है कि जब आप एमएस रिसर्च के कोर्स के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको राइट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आप आपका कोर्स स्टार्ट करते हो तभी आपका प्रोजेक्ट डिसाइड हो जाता है। मतलब आपको आपके प्रोफेसर से बात करके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डिसाइड करना होता है कि यस, इस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रोफेसर ही आपको प्रोजेक्ट दिखाएगा, प्रोजेक्ट बताएगा, आपको चूज़ करना पड़ता है कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। आपका इंटरव्यू होगा, रजिस्टर होने के बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जो प्रोफेसर आपको सेलेक्ट करेगा उसके अंडर आप आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। एमएस रिसर्च में आपको जिस तरह आप एमटेक में बहुत सारे कोर्सेज करते हो उतने सारे कोर्सेज आपको एमएस में नहीं करने पड़ते। एमएस रिसर्च में आपको 3 या 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और ये 3-4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको प्रोफेसर ही सजेस्ट करता है। तो प्रोफेसर का प्रोजेक्ट है और प्रोफेसर ही आपको सजेस्ट करता है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो एलिमेंट्री डिफरेंस आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि आपकी जो डिग्री कंप्लीशन है ये काफ़ी डिपेंड करती है प्रोफेसर पे व्हेन इट कम्स टू एमएस रिसर्च। तो जब तक आपका प्रोफेसर सेटिस्फाइड नहीं होता कि ओके आपका डिग्री कंप्लीट अभी हो सकता है, तब तक आप कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकते शायद। एमटेक में वैसा नहीं होता, एमटेक में काफ़ी बंधन होते हैं प्रोफेसर पे। एमटेक में प्रोफेसर भी ज़्यादा चिल मारते हैं कि चलो ठीक है, एमटेक का ही बंदा है तो इसको जल्दी से जल्दी पास आउट करवा देते हैं। ज़्यादा लोड नहीं रहता प्रोजेक्ट पे, बिकॉज दैट इज़ स्पेशलाइजेशन इनटू अ सर्टेन सब्जेक्ट, बिकॉज इट्स लाइक अ बीटेक ओनली। एंड व्हेन इट कम्स टू एमएस रिसर्च आपको बेसिकली पीएचडी के लिए तैयार किया जाता है। ये काफ़ी हो सकता है कि जब आप एमएस रिसर्च में एडमिशन लेते हो तो आपके प्रोफेसर आपको परस्यू करेंगे, आपको ये कह के कि प्लीज़ हमारे अंडर पीएचडी ज्वाइन कर ले, क्योंकि IITs में NITs में कई सारे प्रोफेसर्स होते हैं, उन पे बर्डन होता है, उन पे प्रेशर होता है कि आपके अंडर काफ़ी आपको पेपर पब्लिश करने हैं, आपके अंडर पीएचडी स्टूडेंट्स आपको क्रिएट करने हैं, आपके अंडर आपको कई सारे पोस्ट डॉक पीएचडी जो भी आपको गाइड करवाने हैं। इसलिए एमएस रिसर्च में कोई भी प्रोफेसर बहुत सारे स्टूडेंट्स को परस्यू करते हैं कि हमारे अंडर आप एमएस रिसर्च कर लीजिए। एमटेक में बल्कि ये चीज़ नहीं होती। बात करते हैं जॉब्स की। कई लोगों का मानना है कि अगर हम एमएस में एडमिशन लेंगे तो क्या हमें कुछ अपॉर्चुनिटी तो कम नहीं पड़ेगी जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एमएस का स्टूडेंट हो या फिर एमटेक का स्टूडेंट हो, हर कोई IITs में NITs में प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल होता है। तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि अगर आप एमएस के स्टूडेंट हो तो आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। लेकिन क्या जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, जब कंपनीज के इंटरव्यू फेस करोगे तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? ये काफ़ी वैलिड सा सवाल है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है और कंपनी किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है।
तो ये बात आप समझ लीजिए, अगर आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है विंड एनर्जी में, अगर आप एमएस रिसर्च के स्टूडेंट हो और आप विंड एनर्जी में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कंपनी है सुजलॉन फॉर एग्जांपल, वो अगर आती है और आप सुजलॉन आपको पता है विंड एनर्जी की कंपनी है, तो अगर दूसरा एमटेक का स्टूडेंट है जिसका स्पेशलाइजेशन एनर्जी स्टडीज का है, जो रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ता है, ऐसा हो सकता है कि सुजलॉन उस टाइम विंड एनर्जी पे जो काम कर रहा है स्पेसिफिकली, जो एमएस रिसर्च का स्टूडेंट है उसको रिक्रूट करके लेके जाए, बल्कि एमटेक का स्टूडेंट रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ रहा था लेकिन उसको वहां पे प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। एमटेक के स्टूडेंट को यह एडवांटेज हो सकता है कि वो काफी सारे कोर्सेस पढ़ते हैं, बल्कि वो 15 कोर्सेस पढ़ लेते हैं करीबन 2 सालों में, तो उनको इलेक्टिव्स भी चूज करने होते हैं और सब्जेक्ट्स पढ़ना काफी अट्रैक्टिव होता है कुछ कंपनीज के लिए, जब आप उनको दिखाते हो कि देखो हमने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो जब आप इन कंपनीज को काफी सारे सब्जेक्ट्स दिखाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी स्टूडेंट हूँ, अगर मैंने कोडिंग का सब्जेक्ट पढ़ लिया तो जब मैं किसी कोडिंग की कंपनी को अप्लाई करता हूँ तो मुझे शायद प्रेफरेंस मिल सकता है। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी तो ये भी बात उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि एमएस रिसर्च का फाइनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रिसर्च होता है, ना कि जॉब। अगर आप जॉब चाहते हो तो आप एमटेक को प्रेफर करो, ये मेरा मानना है, मेरा सजेशन है। अगर आपका एप्टीट्यूड है वो रिसर्च की तरफ है तो अगर आप बीटेक के बाद एमएस रिसर्च में जाओगे तो आपका भला होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एमटेक के स्टूडेंट हो तो आप पीएचडी नहीं जा सकते या फिर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप अगर एमटेक के स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल प्रेफरेंस मिल सकता है पीएचडी के लिए और रिसर्च में भी आप कंफर्टेबली एंटर हो सकते हो। लेकिन हमेशा अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो और अगर आप एमएस रिसर्च में एडमिशन लेते हो तो हमेशा हमेशा आपको एमएस रिसर्च के बाद पीएचडी करना बहुत आसान हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे बताया कि एमएस रिसर्च में एक रिक्वायरमेंट होती है जो अनरिटन रूल है कि आपको एक पेपर पब्लिश करना होता है, और अगर आप आपके मास्टर्स के बाद कोई पेपर पब्लिश करते हो एक अच्छे जर्नल में तो आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी रिसर्च प्रोफाइल के लिए। एमटेक में ऐसी नेसेसिटी नहीं होती, बल्कि काफ़ी सारे एमटेक स्टूडेंट्स पेपर पब्लिश कर लेते हैं, फिर भी ये नेसेसिटी ना होने की वजह से आपके प्रोफाइल में हमेशा पेपर आएगा ही, ऐसा नहीं होता और प्रोफेसर आपको पुश नहीं करते, तो रिसर्च प्रोफाइल आपकी उतनी अच्छी से नहीं बनती जब आप एमटेक कंप्लीट करते हो। एमएस में ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन एमएस के अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये बताया कि एमएस में शायद आपको प्लेसमेंट्स के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए शायद टाइम कम पड़ेगा, शायद टाइम कम मिलेगा। काफ़ी सारे दोस्तों का ये भी मानना था कि बिकॉज ये सारी चीज़ें प्रोफेसर पे डिपेंड करती है, तो आपके प्रोफेसर अगर चिल है तो ये सारे काम आप कर सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, खुद की पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके प्रोफेसर स्ट्रिक्ट है और अगर आपको काफ़ी पुश करते हैं तो शायद आपको टाइम कम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्साइज आपको एक गाइडलाइन थी, आपने एमएस चूज़ करना है या फिर एमटेक चूज़ करना है उसके लिए। बीटेक के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस हैं और अगर आप आईआईटीज में एमएस या एमटेक के लिए जा रहे हो तो ये बातें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपके जो भी सवाल है जो शायद मैंने इस वीडियो में ना कवर किए हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करिए, मैं उनके ज़रूर जवाब दूंगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन में शायद जब ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा शायद एडमिशन्स फिर से शुरू हो जाएंगी और आपको इंटरव्यूज़ के लिए बेटर प्रिपेयर करना शुरू करना होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। वी विल बी कमिंग अप विथ मोर कॉन्टेंट वेरी सून ऑन द चैनल। टिल देन, ज्ञान पीते रहिए।